नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं ललित शर्मा अबेकस ज्ञान से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि DMIT क्या है, इसके लाभ क्या है, इसे कौन कौन कर सकता है, इस बिजनेस से कितना कमाया जा सकता है, ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, कितना खर्चा आएगा, एवरीथिंग, मार्केटिंग कैसे करें, कैसे अर्निंग हो सकती है और कितना कमाया जा सकता है और कौन कौन और कैसे कैसे इस बिजनेस को कर सकता है। आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि DMIT है क्या। डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें फिंगरप्रिंट पैटर्न और ब्रेन के लॉब्स को मिलाकर इसको तैयार किया गया। टेक्निक को हार्वर्ड गार्डनर ने तैयार किया था। उन्होंने अपने 40 साल इस स्टडी में लगाए और इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने इसकी थ्योरी को जन्म दिया। इसके पूरे प्रिंसिपल्स को बताया कि कैसे हमारा फिंगरप्रिंट हमारे ब्रेन के लॉब से मैच करता है और कैसे हम लोग एक बच्चे में, एक व्यक्ति में उसके इनबॉर्न पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक व्यक्ति की इनबॉर्न पोटेंशियल उसकी पर्सनालिटी को जानने में मदद करता है। आखिर एक बच्चा कैसे सीखता है, देखकर, सुनकर, पढ़कर उसका इंटरेस्ट क्या है, वो उसका इनबॉर्न टैलेंट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका माइंड का नेचर क्या है, उसका कौन सा ब्रेन ज्यादा डोमिनेट है, ज्यादा एक्टिव है, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, एफिशियंसी क्या है, वो किस सेक्टर में अपना करियर बना सकता है, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है, ये पूरा पाथ जाना जा सकता है इस स्टडी के द्वारा। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि आप फिंगरप्रिंट के पैटर्न से एक बच्चे में, एक व्यक्ति में उसके नेचर को, उसकी खूबियों को, उसकी स्ट्रेंथ को जान सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसका करियर डिसाइड कर सकते हैं, उसके बिजनेस कौन सा ज्वाइन करेगा ये डिसाइड कर सकते हैं। इससे एक बच्चे की AQ, EQ, IQ, CQ और SQ पता कर सकते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेटिक के द्वारा उसके लर्निंग स्टाइल को जाना जा सकता है, जिसकी वजह से वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके स्टडी में, जॉब में, कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर। सकते हैं कि ये एक MI पर बेस्ड थ्योरी है जिससे बच्चे की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस को जाना जा सकता है, उसकी पर्सनल क्षमताओं को, उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं को जाना जा सकता है इस टेस्ट के द्वारा, जो बच्चे के न केवल स्टडी में, उसके करियर डिसाइड में भी, जीवन के हर पाथ में जहां डिसीजन लेना है उसकी ब्रेन की एफिशिएंसी के साथ अगर लेगा तो ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। तो भी इतिहास रचा है उन सब लोगों ने अपनी अर्लियर एज में ही अपना वो टैलेंट को पहचान लिया और उसी पर अपना मैक्सिमम टाइम दिया, मैक्सिमम एफर्ट दिया। जैसे हम कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर, वो 3 साल की एज में ही क्रिकेट खेलने लग गए थे। उनके फादर ने, उनके बड़े भाई ने उनके इनबॉर्न टैलेंट को पहचान लिया तो उनको स्टडी की जोर ना देकर उन्हें क्रिकेट पर फोकस रखा। हम कैसे लता मंगेशकर को के फादर ने पहचान लिया कि इनकी एफिशिएंसी केवल सिंगिंग में है तो उनको किसी और सेक्टर में करियर बनाने के लिए दबाव नहीं बनाया गया, उन्हें केवल सिंगिंग पर ध्यान दिया गया। लेकिन आज मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों के इनबॉर्न टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते तो वो भेड़ चाल में उस कोर्स में, उस जॉब में भेजते हैं, उस बिजनेस में भेजते हैं जहां सभी लोग जा रहे हैं। जबकि इस टेस्ट के द्वारा आप बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट पहचान कर उसके करियर डिसाइड में हेल्प कर सकते हैं। हम देखते हैं रूरल हो या अर्बन एरिया, जो हर जगह पेरेंट्स आज बड़े सचेत हो चुके हैं, एजुकेटेड हैं, वो बड़े अवेयर हैं बच्चों के करियर को लेकर। आज वो बात नहीं है कि केवल ट्रेडिशनल चीजों पर ही फोकस किया जा रहा, नहीं, आज हम देखते हैं कि विभिन्न सेक्टर्स में बच्चों को भेजा जाता है जहां पर वो अपना करियर बनाता है। कई सारे स्कूल्स अपने बच्चों के एडमिशन के टाइम इस प्रकार के टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को जाना जा सके और उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी पैटर्न को डिसाइड किया जा सके और उसके लिए कैसे टीचिंग करना है ये डिसाइड किया जा सकते हैं। आजकल इस चीज का बहुत ज्यादा यूज किया। आज हम देखते हैं कि देश में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है, पेरेंट्स बहुत अवेयर है, स्कूल के अंदर इस प्रकार की चीजों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, बच्चे की लर्निंग स्टाइल पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज स्टडी पैटर्न तैयार किया जा रहा है। आज मार्केट में हाई कॉम्पिटिशन है, इस कारण एक बच्चे की इनबॉर्न
भी और विशेषताओं को जानना पहचानना जरूरी होता है, इसलिए टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं इस वीडियो में DMIT के बारे में, उसकी विशेषता और उसके लाभ के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा वो वीडियो देखें जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि DMIT से और क्या क्या बेनिफिट्स है। आज मेरा मेन मोटो, मेरा मुख्य उद्देश्य है DMIT के थ्रू आप कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हो, कैसे इसके अंदर आप करियर बना सकते हो, और कैसे हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन जिनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, फिजिकली मेहनत नहीं कर सकते, तो वो कैसे अपना करियर बनाए, कैसे ट्रेनिंग ले, कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम होगी, आज मेरा मेन टारगेट इस टॉपिक पर है। बात करते हैं इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है। मेरा मानना है हर वो आदमी इस बिजनेस को कर सकता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, क्योंकि हमें इसके अंदर पेरेंट्स को उन्हें बताना होता है कि इस DMIT का नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इस बात को डिस्प्ले कर पाते हैं, लोगों को अपनी बात समझा पाते हैं, तो वो हर आदमी इस बिजनेस में आ सकता है। हम देखें हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन, प्राइवेट टीचर, यानी कोई भी सेक्टर का व्यक्ति हो वो इसमें करियर बना सकता है। MLM लीडर्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनका नेटवर्क अच्छा होता है, लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी होती है, वो अलग अलग स्टेट और अलग अलग सिटीज में विजिट करते हैं, तो वो काफी लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बताकर अपनी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इस बिजनेस को फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों किया जा सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं, आपका ऑफिस का टाइम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि संडे को करना है या मंडे को करना है, इवनिंग में करना है या मॉर्निंग में करना, कब करना है, कैसे करना है, कितना टाइम करना है, सारा डिसीजन आपके हाथ में होता है। और आपको कोई ना रॉयल्टी देनी है, केवल वन टाइम ही आपको इस पद्धति को सीखना और जानना है, इनके सॉफ्टवेयर, इनके टूल्स को परचेज करना है, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप एक प्ले स्कूल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो आप अपने स्कूल के अंदर कंपलसरी इसे कर सकते हैं, और बच्चों से, पेरेंट्स से एक फीस लेकर आप इसे चला सकते हैं। और यदि आपने ट्रेनिंग लिया है, अगर कोई इंडिविजुअल इसका ट्रेनिंग लेता है, तो स्कूल के साथ टाइप अप करके उनका एक कमीशन रेशो एक फिक्स करके एक अच्छी खासी इनकम कर सकता है, जो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूं। क्लासेस, कंप्यूटर सेंटर्स, जिनका अपना एक क्लाइंट बेस है, एक सेटअप है, एक ऑफिस है, वो भी इसमें बना सकते हैं। वैसे तो इसमें ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप विजिट करके ऑफिस, दूसरे ऑफिसेज में, दूसरे स्कूल्स में, ट्यूशन क्लासेज में, आप होम टू होम या हम किटी पार्टीज के थ्रू या एक कॉम्पिटिशन के थ्रू, जहां बच्चों की गैदरिंग होती है, वो हर जगह आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, लोगों को इसका इंपॉर्टेंस बता। बात करते हैं इसका ट्रेनिंग कैसे होगा। ट्रेनिंग के दोनों तरीके हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यानी ऑफलाइन ट्रेनिंग का मीन्स आप पर्सनली मेरे पास आकर सेंटर विजिट करके, और फुल डे, वन डे का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मैं आपको ट्रेन करूंगा कंप्लीट DMIT की ट्रेनिंग के लिए। DMIT से स्कैन कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर को यूज कैसे लेंगे, आप अपने रिपोर्ट को जनरेट कैसे करेंगे, एवरीथिंग, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मेरे पास पर्सनली ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैंने इसकी ट्रेनिंग देने के लिए कुछ वीडियो की सीरीज बनाई है कि DMIT प्रॉपर है क्या, काउंसलिंग कैसे करना है, DMIT का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे निकालनी है, एवरीथिंग, सब कुछ सिखाने के लिए वीडियो प्रिपेयर किए हैं। आप उन वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अब इसको चलाने के लिए आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, वो कहां से लेना, कैसे लेना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। वैसे तो प्रिंटर तो आपको जरूर जब पड़ेगी जब आप फिजिकली रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, लेकिन अगर आप PDF फॉर्मेट में अगर उनके मोबाइल या कंप्यूटर पर सेंड करते हैं, तो आपको प्रिंटआउट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, DMIT के अंदर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है और एक रिपोर्ट जनरेटर होता है। अब यहां पर कुछ कंपनियां बड़ी चालाकी करती है, वो क्या करती है कि रिपोर्ट जनरेटर आपको देती ही नहीं है, केवल क्लाइंट
सॉफ्टवेयर ही देती है जिससे आप बच्चों के डेटा को स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद आपको स्कैन कॉपी को उन कंपनी को सेंड करना पड़ता है, फिर वो कंपनी 300-400 रुपए पर बच्चे की रिपोर्ट जनरेट करने का अलग से चार्जेस लेती है और आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देती है और आपसे कहती है कि ये जो रिपोर्ट जनरेट होगी ये हम सिंगापुर ताइवान कहां कहां से हम रिपोर्ट लेके आएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। रिपोर्ट आप खुद भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम आपको क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी देते हैं, रिपोर्ट जनरेटर भी देते हैं, ताकि आप ही स्कैन करें, आप ही रिपोर्ट जनरेट करें, यानी आप किसी और कंपनी, हम पर किसी पर कोई डिपेंड नहीं हो, कहीं आपको एक रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़े, ये हम लोग करते। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो रिपोर्ट जनरेटर है ना, वो 69 पेज का रिपोर्ट जनरेटर है, यानी आप इतनी बड़ी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। कुछ कंपनियां 30 और 40 पेज की रिपोर्ट जनरेटर देती है आप लोगों को, लेकिन नहीं, हम आपको 69 पेज का रिपोर्ट जनरेटर देंगे जिसमें आपको 40 या 30 पेज की रिपोर्ट तो आ ही जाएगी, एक्स्ट्रा भी बहुत सारा डेटा आता है, बहुत डिटेल्ड में आता है, जिसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, पेरेंट्स खुद भी समझ सकता है। इसलिए ये रिपोर्ट 69 पेज की हम लोग रिपोर्ट जनरेटर आपको प्रोवाइड करते हैं। और फिर एक दूसरी बात, हम आपको जो सॉफ्टवेयर देते हैं ना, ओपन सोर्स में देते हैं, ओएसएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये ओएसएस क्या होता है ये भी समझ लो आप। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक लॉग्ड होता है और एक ओपन सोर्स में होता है। कुछ कंपनियां आपको लॉग्ड सॉफ्टवेयर देती है जिसे आप पेन ड्राइव के अंदर आपको लॉग्ड करके दिया जाएगा, उसे आप अपने कंप्यूटर में तो यूज कर सकते हो, लेकिन उसका कॉपी करके आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग आपको ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। ओपन सोर्स का फायदा यह हुआ कि आप अपना इंस्टीट्यूट तो चला ही सकते हो, साथ में हमारी तरह आप अपनी कंपनी बनाकर इसकी कॉपी करके आप अपने ब्रांड से इसको सेल भी कर सकते हो। हम लोग फ्रेंचाइजी और टीचर ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आपने महीने में भी 2 लोगों को ट्रेनिंग दिया, उनको ये सॉफ्टवेयर सेल किया, तो आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। यानी जितना इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो तो केवल एक कैंडिडेट को भी सेल करके निकाल सकते हैं, यानी आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, बच्चों की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वहां से भी इनकम कर सकते हैं, अपनी कंपनी बनाकर लोगों को इस प्रोग्राम को सेल करके फ्रेंचाइजी देकर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप इससे कितना कमा सकते हैं? देखो, एक बच्चे से 1,000 से 3,000 रुपए तक पर रिपोर्ट का चार्ज लिया जाता है। ये सिटी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बात आती है कि आपके पास क्लाइंट आएंगे कहाँ से, तो आप स्कूल के साथ टाइप अप करें। सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल ऑनर को जाके समझाएं, उन्हें इसका इम्पोर्टेंस बताएं, इम्पोर्टेंस बताने के बाद उनका एक कमीशन शेयर करें। और आप जब भी स्कूल्स के अंदर पेरेंट्स मीटिंग हो, तो वहां पर जाके पेरेंट्स को इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, प्रोजेक्टर के थ्रू बताएं। ये सारी स्लाइड में आपको दूंगा, तो आप प्रोजेक्टर में जाके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें, उनको आप तैयार करें इस रिपोर्ट के लिए, वहां से भी आपको इनकम निकलती है और आप स्कूल को भी कमीशन दो। इसके साथ साथ आप चाहे तो अपनी सिटी के अंदर एक कंपटीशन रख सकते हैं, जैसे हैंड राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, इस प्रकार के आप एक कंपटीशन रख दें जिससे बहुत मैक्सिमम डेटा आपके पास आ जाएगा आप, और वहां से भी आप अपने बिजनेस को निकाल सकते हैं। अलावा सोशल मीडिया, पंपलेट मार्केटिंग, होर्डिंग बोर्ड्स हैं, कैनोपीज हैं, वो जो ट्रेडिशनल माध्यम है वो तो आप यूज करेंगे ही, कुछ और भी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जब आप ट्रेनिंग लेंगे, उससे भी एक बहुत अच्छा सा बिजनेस आप निकाल सकते हैं। आप पेरेंट्स के लिए फ्री वर्कशॉप रख सकते हैं, पेरेंटिंग रख सकते हैं, यानी पेरेंट्स को मोबाइल की हैबिट कैसे हटाएं, टीवी की हैबिट कैसे हटाएं, इसके ऊपर आप एक अपना लेक्चर वीडियो तैयार कर लो, नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप पेरेंट्स को फ्री में दें, जब फ्री में कोई चीज मिलेगी तो पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंटिंग के बहाने, फ्री वर्कशॉप के बहाने, जब वर्कशॉप कंप्लीट हो जाए आपका 1 या 2 घंटे का, तब आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आप बच्चों का DMIT भी कराओ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी माध्यम हो, पहले आपका एक नेटवर्क तैयार हो, लोग आपके पास आए, जुड़े। तो लोग अभिकास या वैदिक मेहनत या हैंडराइटिंग के प्रोग्राम चला रहे हैं, वो लोग भी इस प्रकार के DMIT प्रोग्राम को लेकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। जिनके पास ज्यादा बच्चे नहीं है, ज्यादा इनकम नहीं है, या आप वो चाहते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा भी किया जाए अपने सेटअप के ऊपर, तो आप अपना ब्रांड बनाए ना। हम आपको ओपन सोर्स में देंगे, पूरा ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उस प्रोग्राम को सेल करें, आप अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट को कवर करें, वहां
के कंप्यूटर सेंटर इंस्टीट्यूट को जाकर इस प्रोग्राम को सेल करें या डायरेक्ट सर्विसेज दे, क्लाइंट रिपोर्ट निकाले, यानी कह सकते हैं कमाने के ऑप्शंस बहुत हैं, बस आपको मेहनत करनी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करना है, कॉल करें हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कितनी फीसेज हैं, कब हमारे बैचेज बन रहे हैं, और भी कुछ डाउट है तो आप हमें कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो तुरंत डिसीजन लीजिए और इस बहुत तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में आप अगर जल्दी से एंटर हो जाएंगे तो एक अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।